जो पिछले 8 सालों से हम न्याय का इंतजार कर रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे न्याय का इंतजार कर रहे हैं। हम उन बच्चों को छोड़ के यहाँ इतनी दूर राजस्थान से, इतना दूर होता है, यहाँ आए मैडम से मिल कि हमारे साथ न्याय करो। हमारी राजस्थान सरकार पिछले 8 सालों से नहीं सुन रही है, तो आप उनको बोल के और हमारा काम करवाओ। एक महिला होकर एक महिला की सुनती है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। और हमारी नियुक्ति हो चुकी है सर, हमारी नौकरी लगी हुई है, हमारी ज्वाइनिंग बाकी है, और उस ज्वाइनिंग के लिए हमें 8 साल इंतजार करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में बनी हुई हैं। इस समय हमारी जो मौजूदगी है वो कांग्रेस कार्यालय पर है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे लगभग सैकड़ों की संख्या में युवा हैं, महिलाएँ हैं, जो राजस्थान से चल करके उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। इनका एक रोजगार जो है संगठन भी है, रोजगार महासंघ के नाम से। तो ये तमाम जो युवा हैं ये आज यहाँ पे जो है अपनी कुछ मांगे लेकर के उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी से मिलने के लिए लखनऊ पहुँची हैं। कांग्रेस कार्यालय पर ये सब धरने पर बैठे हैं। इन्होंने पिछले 3 दिनों से अपना धरना जारी कर रखा है। अनवरत ये जो है आमरण अनशन पर भी हैं। और कांग्रेस पार्टी ने इनके जो है ठहरने के लिए, इनके रुकने के लिए एक जो है इंतजाम भी कराया था, पीछे टेंट भी लगवाया था, और टेंट के साथ साथ रजाई गद्दे का भी इंतजाम कांग्रेस पार्टी ने करवाया था। लेकिन ये जितने जो युवक हैं, जो महिलाएं हैं, ना तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए टेंट का जो है उपयोग किया है, ना ही उनके रजाई गद्दे का उपयोग किया है। लगातार जो है ये ठंड में धरने पर बैठे हैं। हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मांगे हैं आपकी, क्यों आप धरने पर बैठे हैं? सर, हमारा राजस्थान बेरोजगार महासंघ है, प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र जी यादव के नेतृत्व में यहाँ बैठे हैं। राजस्थान में हमारा 47 दिन से धरना चल रहा है और यहाँ पे 3रा दिन है, अनशन है, और कांग्रेस ने जो टेंट की व्यवस्था की है इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम रोड की मांगे क्या हैं? आप उत्तर प्रदेश आए हो, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, आप देख रहे हो प्रियंका गांधी जी लगातार उत्तर प्रदेश के जो जनता है उससे प्रतिज्ञाएं ले रही हैं और तमाम रोजगार देने की बात करें, तो आप उत्तर प्रदेश क्यों आए हो? उत्तर प्रदेश हम इसलिए आए हैं कि प्रियंका गांधी जी हैं, वो पार्टी की एक शीर्ष स्तर के लीडर हैं और उनसे हमें उम्मीद है कि वो हमें कुछ न कुछ अच्छा ही देंगे। राजस्थान सरकार तो हमारी सुन नहीं रही है, जबकि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत से हमारे में से साथी हैं और उनके बारे में ये करें कि बीजेपी वालों ने भेजा, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और ये अनपढ़ है, इस प्रकार से उनको बयान नहीं देना चाहिए, शोभा नहीं देता है। हम पढ़े लिखे लोग हैं और सब 80% इनके रीट के अंदर, और कल जो तस्वीर इको गार्डन वायरल हुई है वो हमारे राजस्थान की है, अभ्यर्थियों की है, जबकि बता रहे हैं यूपी टेट वाले अभ्यर्थी हैं, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता यही है कि हमारा है वीडियो और हमारी शिक्षक भर्ती 2012 की है। सर, आप ये बताइए, एक भर्ती होती है उसमें एक बच्चे के 140 नंबर होते हैं, नौकरी 140 वाले को मिलेगी या 120 नंबर वाले को? राजस्थान में इसी कांग्रेस सरकार कार्यकाल में भर्ती हुई, जिनके 120 नंबर उनको नौकरी दे दी और जिनके 140 नंबर वो घर बैठे हैं। बहुत से लोग सुसाइड कर रहे हैं, अवसाद में हैं, और बहुत से लोग ओवरएज हो रहे हैं और 10 साल से घर बैठे हैं, आर्थिक तंगी में और शिकार हो गए, कोरोना ने और हालत ख़राब कर दी। और राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हैं और उन्हीं की आप अपमान कर रहे हो। अब आप ये पूछ रहे हो कि आप यूपी क्यों चुना, यूपी में हमें जाने का अधिकार है, क्या आप यूपी चुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं जाते? पूरे भारत के लिए कांग्रेस है। वास्तविकता यही है कि हमारा है वीडियो और हमारी शिक्षक भर्ती 2012 की है। सर, आप ये बताइए, एक भर्ती होती है उसमें एक बच्चे के 140 नंबर होते हैं, नौकरी 140 वाले को मिलेगी या 120 नंबर वाले को? राजस्थान में इसी कांग्रेस सरकार कार्यकाल में भर्ती हुई, जिनके 120 नंबर उनको नौकरी दे दी और जिनके 140 नंबर वो घर बैठे हैं। बहुत से लोग सुसाइड करें, अवसाद में हैं, और बहुत से लोग ओवरएज हो रहे हैं और 10 साल से घर बैठे हैं, आर्थिक तंगी में और शिकार हो गए, कोरोना ने और हालत ख़राब कर दी। और राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हैं और उन्हीं की आप अपमान कर रहे हो। अब आप ये पूछ रहे हो कि आप यूपी क्यों चुना, यूपी में हमें जाने का अधिकार है, क्या आप यूपी चुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं जाते? पूरे भारत के लिए कांग्रेस एक है, पूरे देश की पार्टी है, और हमें कांग्रेस बीजेपी में क्यों बांटते हो? किसानों को नरेंद्र मोदी जी ने परेशान किया, बिल है उन्होंने काले कानून थोप दिए जबरन, और अब आप हैं कह रहे हैं कि किसानों के साथ में मोदी जी ने सही नहीं किया। चलो मानते हैं, अच्छी बात है किसानों के साथ में आप खड़े हो, लेकिन हम भी किसान के बेटे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को जो किसान पार्टी बताती है अपने आप दम भरती है, किसान दलित मजदूर की बात कहती है। यहाँ पे किसान वर्ग के बच्चे बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, मेरे पास में आईडी कार्ड है, बाकायदे मैं आपको दिखा सकता हूँ, और सिविल सेवा की मैं तैयारी कर रहा हूँ। उस लोगों के बारे में इस प्रकार से करें, ये मेरे पास में कार्ड है अपॉइंटमेंट। आप कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, आप कांग्रेस पार्टी के जो है सदस्य भी हैं, तो ये हाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं है, प्रदेश चाहे जो भी हो,
चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, आप मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, सारे प्रदेशों में सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे अन्य दलों की सरकार हो, बेरोजगार जो है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हर प्रदेश के लिए है और हर प्रदेश में जो नौजवान हैं वो रोजगार के लिए परेशान हैं। कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, उन महिलाओं से भी बात करते हैं। आप लोग जो है यहाँ धरने पर बैठी हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है कि 2013 नर्सिंग भर्ती एनम चेनम को पूरी कर दो। जो पिछले 8 सालों से हम न्याय का इंतजार कर रहे हैं, हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे न्याय का इंतजार कर रहे हैं। हम उन बच्चों को छोड़ के यहाँ इतनी दूर, राजस्थान से इतना दूर होता है, यहाँ आए मैडम से मिले कि हमारे साथ न्याय करो। हमारी राजस्थान सरकार पिछले 8 सालों से नहीं सुन रही है, तो आप उनको बोल के और हमारा काम करवाओ। एक महिला होकर, एक महिला की सुनती है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। और हमारी नियुक्ति हो चुकी है सर, हमारी नौकरी लगी हुई है, हमारी हमारी ज्वाइनिंग बाकी है, और वो उस ज्वाइनिंग के लिए हमें 8 साल इंतजार करना पड़ रहा है। एक एक क्षण कितना मुश्किल होता है, तो हमने 8 सालों से इंतजार किया है और आज भी इंतजार ही कर रहे हैं। अभी मैम आएंगे, हम उनको अपनी बताएंगे समस्या और वो हमारी सुनेगी, इसीलिए हम यहाँ बैठे। और जब तक बैठे हैं, जब तक हमारा पूरा काम नहीं हो जाता और हमारे घर पे परिवार वालों को हम छोड़ गए हैं, आज पिछले 3 दिनों से बिना कुछ खाए पिए बैठे हैं। हमारी कुछ महिलाएं गर्भवती भी हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया है। और भी लोग हैं क्या, आपकी क्या जो है मांगे हैं दीदी? हमारी यही नर्सिंग भर्ती 2013 की सभी की एक ही मांग है हमारी। क्या कहना है? हमें मैडम से मिलना है, हमारी एक ही मांग है, हमें मैडम से मिलना है। मैडम से मिलने के बाद ही हम पानी पिएंगे। 3 दिन से हमने नहीं पानी पिया, कुछ भी नहीं पिया। 3 महिला हमारी प्रेग्नेंट है यहाँ पे, उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये तमाम महिलाएं हैं, तमाम जो है नौजवान हैं, जिनकी सिर्फ और सिर्फ एक मांगे हैं कि इनको जो है प्रियंका गांधी जी से मुलाकात करना है। इनको उम्मीद है कि प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद जो इनकी रुकी हुई भर्तियां हैं उस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला जो है राजस्थान सरकार सुनाने का काम करेगी। राजस्थान सरकार से प्रियंका गांधी जो है अनुरोध भी करेंगी, ऐसा इन महिलाओं का कहना है। लखनऊ से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए कृष्णा मोहन मिश्रा।